नमस्कार, साई वाणी में आप सबका स्वागत। मेरे प्रिय आत्मन, पूरे विश्व से जुड़े हुए सभी साई भक्तों को मैं प्रणाम करता हूं और प्रारंभ करो, जारी रखो इसी विचारधारा से जोड़ने का प्रयास करता हूं। वो आए और आकर चले गए, मौन रहे और कुछ कह गए। कुछ था जो बिन बाटे ही बढ़ गया, जल उठे दिए और अंधेरा झट गया। और सच में अंधेरा झट गया। लगातार 5 महीने से मैं सभी साई परिवार के सभी भक्तों को मैं तहे दिल से शुक्रगुजार करना पसंद करता हूँ। और दीवे और सज्जनों, भाई और बहनों, मैं सच में आपका बहुत अनुग्रहित हूँ। आपने मुझे इतने प्यार से सुना है और इतने सारे बड़े पैमाने पर आपने मुझे आशीर्वाद दिए, इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद देना पसंद करता हूँ। कहा है कि जब जब कभी कभी ज्ञान के बारे में बहुत सारा बोझ हो जाता है तो इंसान थका जाता है, मांझा जाता है। लेकिन हमारे यहाँ कोई ज्ञान का तो कोई भाषा तो मैं नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ध्यान की भाषा कर रहा हूं। और ध्यान तो हल्का करता है, ज्ञान शायद आपको बोझ बना सकता है, लेकिन ध्यान कभी बोझ नहीं बनाता। क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी है, हर 7 साल में या 10 साल में हमारे शरीर में भी परिवर्तन होता है, पेशिका बदल जाती है और हमारा शरीर एक नया शरीर, ताजा शरीर, प्रसन्न मन के साथ उभर आता है। और वो बातें जो होती है, जो हमारे हमेशा हमसे जुड़ी बातें रहती है, और इन्हीं बातों के लिए मैं आज आप सबको साई क्रिया और साई ध्यान के प्रति थोड़ा सा जागरूक करना पसंद करता हूं। क्योंकि विश्व में 30 नवंबर 2023 को हम 30 नवंबर 2023 विश्व की साई वाणी इंटरनेशनल विंग शुरू हो रही है। मेरे मित्र यस के मेनन और मेरे बड़े भाई सुनील नरोला जी, इन्होंने मिलके इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनिशिएटिव लिया और उन्होंने इस क्षेत्र को भी काम करने के लिए मेरे साथ जुड़ने का प्रयास किया। बहुत सारे मित्रों ने कहा, सुनील जी हम इंग्लिश में भी आपको सुनना पसंद करेंगे, क्योंकि कुछ भाषिक लोग हैं, खासकर साउथ इंडिया में हैं और बाहर के देश के हैं, जो यही हिंदुस्तानी है लेकिन बाहर जाने के बाद हिंदी भाषा उनको अवगत ज़्यादातर नहीं, उनके बच्चों को तो समझ में भी नहीं आती, तो उनके लिए भी मैं इंग्लिश में आपके सबके सामने प्रयास करना पसंद करूंगा। लेकिन भाई और बहनों, ये सब करने से भी ज्यादा मैं एक बात कहना चाहता हूं, और वो है कि जब भी अपने जीवन में समस्या आए तो साई वाणी आपको मदद करेगी, इसमें कोई दोहरा नहीं, कोई शक नहीं। और इसके लिए मैं आप सबसे बहुत तहे दिल से जुड़ना चाहता हूं। आप भी आओ, ये परिवार है, क्योंकि प्रारंभ करो और जारी रखो का गुरु मंत्र जब तक आप अपने जीवन में आत्मसात नहीं करोगे तब तक बदलाव नहीं होने वाला है। और ये बदलाव तभी हो सकता है जब आप अपने जीवन में सीखने की तैयारी करें। डरो मत, उठो, जागो और अपनी शक्ति पे विश्वास रखे, एक एक कदम को डालो, आप पहुंच जाओगे। क्योंकि एक एक कदम से चलने से ही इंसान पहुंच सकता है। प्यार और ध्यान, ये दो ही ऐसे मार्ग है जो आपको जीवन में अपने लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए कामयाब हो सकते हैं। इसीलिए स्थिरता और महत्वपूर्णता बहुत प्यारी है। इस बातों को कहने लायक बहुत सारी चित्त होती है और कमिटमेंट अपने से करनी चाहिए। कोई ज्यादा अवडंबर ना करने से या चमत्कार ना करने से, या कोई बोलते हैं कि ज्यादातर हम बाह्य चीजों को ही महत्व देते हैं, अंदर की चीजों को वैसे ही जिंदगी भर महत्व नहीं देते और हमारी जिंदगी चली जाती है फिर भी लक्ष्य नहीं समझ में आता। क्योंकि याद रखना, दो ही लक्ष्य होने चाहिए, एक अपने खुद को जानना और दूसरे परमात्मा के पास पहुंचना। तीसरा कोई छोटा मोटा लक्ष्य हो ही नहीं सकता। और जिंदगी में अगर जो खुद को नहीं जान पाता है वो दुनिया को जान के भी फायदा नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं इस विश्व में, इतना ज्ञान है, आप कितना पाओगे, कितना इकट्ठा करोगे। कोई साइंस में मास्टर हो जाता है तो उसको गणित समझता नहीं है, कोई गणित में मास्टर हो जाता है तो उसको साइकोलॉजी समझती नहीं है, कोई साइकोलॉजी में महान बनना चाहता है तो उसको व्यवहार समझता नहीं है। ऐसे अगर परिपूर्ण इंसान बनना चाहते हो तो मैं आपसे विनती करना चाहता हूं, आप योग करो, आप ध्यान करो, आप मेडिटेशन करो और मेडिटेशन से देखो जिंदगी कितनी प्रसन्न है, कितनी खूबसूरत है। और इसीलिए अपने जीवन के धर्म क्षेत्र में कोई धृतराष्ट्र, कोई संजय की जरूरत नहीं है, आप खुद ही अपने जीवन में अर्जुन है और आपको मार्गदर्शन करने वाली गीता आपकी साई वाणी है। भगवान कृष्ण आपको हर जगह पे जैसे जैसे मार्गदर्शन करते हैं, अर्जुन की मन की अवस्था है, आज के अर्जुन आप है भाई और बहनों। और इसीलिए कहा है पश्चेता पांडु पुत्र नाचार्य महति चमुम युड़ा द्रुपेद पुत्र न तव
शिष्येन धीमता, अत्र शुरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युए धानो विराटस्य द्रुपद वश्य महारथ। ये जो गीता के श्लोक होते ना, आपको पता है संस्कृत में अगर आप हर दिन 5 मिनट के लिए उसको जोर से कहोगे ना, आपके शरीर में एक ऊर्जा, प्रसन्नता, प्रसन्नता, बहुत प्रसन्नता आएगी, क्योंकि संस्कृत भाषा एक ऐसी भाषा है जो अपने मन को, शरीर को, बुद्धि को एक साथ लाती है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युस्वा मामका पांडव क्षेव किम कुरुत संजय। ये जो शब्द आप बोलते हो, ये शब्द आपके शरीर में ऊर्जा प्रसन्न करते हैं, और ओम का उच्चार करने से जब ब्रह्मांड को हिला सकते हैं आप, उसी प्रकार साई वाणी का ये गुरु मंत्र को आत्मसात करके प्रारंभ करो, जारी रखो, से बहुत बड़ा कार्य खड़ा कर सकते हो। निकल पड़ो भाई और बहनों, ये अध्यात्म की यात्रा है, ये जीवन बदलने की यात्रा है। साई वाणी अगर आपके लिए कुछ कर रही है तो आपके जीवन में बदलाव ला रही है, आपके जीवन में क्रांति ला रही है, आपके जीवन में जो आप निगेटिविटी से अब बहुत सारे लोग जूझ रहे थे उसको पार करके सकारात्मक सोच के प्रति जाने का प्रयास करते हो, और उसी को जीवन कहते हैं। ज्ञान योग, कर्म योग, सांख्य योग, ये सब योग जो है अपने जीवन में साई वाणी में समेटे हैं, और अपने को अपने जीवन में लक्ष्य को पाने के लिए सबसे पहले अहंकार को छोड़ना पड़ेगा, इंद्रियों के ऊपर काबू करना पड़ेगा, ना इंद्रिय के साथ चलना पड़ेगा, हमारे मन के साथ अगर हम आत्मसात करके उसको चलाएंगे तो पहुंच जाएंगे। मैं छोटी सी कहानी कहना चाहता हूं, कहानी बड़ी प्रीतिपूर्ण है, आप उसको ठीक से समझिएगा। ये कहानी है सिर्फ और सिर्फ दो भाइयों की। एक भाई जो रोजमर्रा की जिंदगी के लिए जूझ रहा था, रात दिन मेहनत कर रहा था, लेकिन उसको ज्यादा फल नहीं मिल रहा था, और दूसरा भाई कुछ भी पाना नहीं चाहता था, बस जी रहा था, और जीने के बाद वो बहुत अपने कारोबार में बर्बाद हो जाता है, और कारोबार में बर्बाद होने के बाद वो अपना घर छोड़ के चला जाता है। दूसरा बड़ा भाई बहुत मेहनत करके अपने पिताजी के साथ खेती में काम करता है, पिताजी उसके साथ काम करते हैं, और फिर अचानक से एक दिन वो छोटा भाई घर आता है, पिताजी बहुत प्रसन्न होते हैं और पूरे गांव को खाने की दावत देते हैं। तो बड़ा भाई थोड़ा दुखी होता है, कहता है बाबूजी मैंने आपके साथ दिन रात मेहनत की, आपने मेरे लिए तो कभी दावत नहीं दी, लेकिन छोटे भाई इतना सब कुछ बर्बाद करके भी फिर से घर आने के बाद आपने इतनी बड़ी दावत क्यों दी। पिताजी ने हंस के कहा बेटा तू तो मेरे पास ही था, लेकिन जो यह सब कुछ छोड़ के गया था वो वापस आने के बाद मुझे इतनी खुशी हुई है, उसको खुशी देना मेरी खुशी है बेटा, इसीलिए मैंने उसके लिए दावत रखी है। भाई और बहनों, जो अच्छा है, जिसके जीवन में सुख शांति समृद्धि बहुत भरी भरी है, उसको शायद साई वाणी की इतनी जरूरत नहीं होगी, लेकिन जो मेरा भाई, जो मेरी बहन, जो मेरा दोस्त, जो मेरा व्यापारी मित्र, जो मेरा विद्यार्थी मित्र भटका हुआ है, उसके लिए साई वाणी की यह दावत है। आओ साई वाणी सुनो, और साई वाणी के शब्द अपने दिल तक पहुंचाओ, दिमाग खुल जाएगा, और क्रिया करते करते ध्यान में लीन हो जाओगे, जीवन बदल जाएगा। अपने जीवन का लक्ष्य होना चाहिए हमें कुछ पाना है, अपने जिंदगी में बिना किसी ठोकर खाए नहीं मिलेगा कुछ, आपको तपना पड़ेगा। बीज को भी अंकुरने के लिए जमीन में गाड़ना पड़ता है भाई और बहनों, तभी उसका पेड़ बनता है और उसको फल फूल आते हैं, वरना वो बीज को कभी फल फूल नहीं आएंगे। अपने जीवन में अपने खुद के लक्ष्य को पाने के लिए आपको रास्ता चुनना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा, और ये शरीर को कसने से, काम करने से, मेहनत करने से कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, होता है कुछ ना करने से। और इसीलिए कुछ अच्छा कार्य नहीं बल्कि अपने दिल में, और जब जब निकल पड़ो, आपको रास्ता एक ही जगह पे बैठ के बहुत बड़े बड़े सपने वाले लोग मैंने देखे, बड़े बड़े बच्चों को मैं जब कभी स्कूलों में जाके उनके साथ वार्तालाप करता हूं, प्रश्न उत्तर करता हूं, तो सपने तो बड़े होते हैं लेकिन मेहनत करने की तैयारी नहीं होती। प्रारंभ करो, जारी रखो, छोटा सा वाक्य है लेकिन आत्माने के लिए बहुत मुश्किल है। आज कोई भी एक प्रयोग आप करो, कोई भी एक चीज को आज शुरू करो, और उस चीज को शुरू करो और प्रारंभ करो, मतलब शुरू करो और जारी रखो, मतलब कभी उसको बंद मत करो। मैं 23 भाषा सीखने का जो प्रारंभ मैंने किया है,
और इस महीने से ही मैंने शुरुआत की, मैं हर दिन सुबह 3 घंटा भाषाओं के प्रति, अलग अलग भाषाओं को समझने का प्रयास करता हूं और मुझे इतनी खुशी मिल रही है। शुरू में 4-5 दिन कुछ मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, लेकिन आप मुझे वो आदत सी हो गई। जीवन में कुछ पाने के लिए लक्ष्य रखना पड़ेगा और उस लक्ष्य को पाने के लिए सीधा प्रारंभ से चलना पड़ेगा, तभी हम पहुंच जाएंगे। इसलिए कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं, मन चाहिए। साधन तो जुट जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए, और यह संकल्प होता है विचारों का साथ, यह संकल्प होता है लक्ष्य के पास, यह संकल्प होता है जीवन में कहीं पहुंचने के लिए। और यही जीवन है, यही सुंदर जीवन है। इससे ज्यादा खुशी से कोई और खुशी है ही नहीं। भाई और बहनों, लक्ष्य को पाने के लिए हमें चलना पड़ेगा और चलते चलते हमें पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि एक जगह पे बैठने से, रुकने से, कुछ ना करने से कुछ नहीं होने वाला है। क्रिया बिना वाचा होता व्यर्थ, ऐसे मराठी में बहुत बार कहा है। आप क्रिया नहीं करोगे और सिर्फ बोलोगे, कहीं नहीं पहुंच जाओगे। लेकिन अगर आप सोच के कहीं पहुंचना चाहते हो तो आपको कोई रोक नहीं सकता। और इसीलिए मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, उठो, जागो, और तब तक मत रुको जो तय किया है उसको आप पा नहीं लेते। बहुत सारे लोग संकल्प से अड़िग नहीं है। मैं आज आपको 3 संकल्प देना पसंद करूंगा। पहला संकल्प है प्रारंभ करो, जारी रखो। दूसरा संकल्प है साई क्रिया को प्रारंभ करो, क्योंकि साई क्रिया करोगे तो अपने जीवन में ऑटोमेटिकली सकारात्मक सोच लाओगे, बीमारियों से सब बीमारियां भाग जाएंगी। बहुत सारे भाई बहन मुझे प्रश्न पूछते कि घर में अच्छा कुछ नहीं होता, अपने मन में अच्छा नहीं है। जिस दिन आपका मन प्रसन्न होगा ना, सब अच्छा होगा। और मन प्रसन्न कैसे करना है, यही तो मैं बता रहा हूं। अच्छा सोचो, अच्छा पढ़ो, अच्छा सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव विचारों के लोगों के साथ रहो। निगेटिव विचार वाला अगर कहीं दूर से भी दिखता है ना, तो उसको नमस्कार करके निकल जाओ, क्योंकि यही निगेटिव विचार वाले लोग अपने मन में निगेटिविटी डालते हैं उनके मन की। और फिर जब निगेटिविटी निगेटिविटी से जुड़ जाती है ना, और दुख हो जाता है। अपने में इतना पॉजिटिव रहो कि कुछ करना चाहिए। क्यों महान महान संत हुए, और देखो आप जितने भी महान संत हुए ना, वो सब शांत बैठे। शांत क्यों बैठे, क्योंकि उनके शांति में ही सब कुछ है। समंदर में कभी जाते हो देखने, जब कोई समंदर के किनारे जाओगे तो बहुत लहरें दिखेगी। आप लहरें देखते हो, समंदर नहीं देखते। समंदर उसके अंदर होता है और हमेशा शांत होता है। आपने जो भी समंदर के किनारे जाके देखा है वो सिर्फ लहरें देखी है, और लहरों से आप तय करते हो कि यही समंदर है। समंदर कभी आवाज नहीं करता भाई और बहनों, वो शांत होता है, वो अथांग होता है। उसी प्रकार अपना मन है, और मन इतना शक्तिशाली है, शरीर से 10 गुना शक्तिशाली है। आपको पता है इतनी शक्ति है आपके मन में, अगर आप कुछ ठान ले लोगे ना जीवन में, तो आप पहुंच जाओगे। नोबडी कैन स्टॉप यू, कोई आपको रोक नहीं सकता। लेकिन आपकी मन की शक्ति को आपने दबा के रखा है। उस शक्ति का खजाना जिस दिन ध्यान से और मेडिटेशन से, क्रिया से जानोगे ना, उस दिन से ज्यादा खुशी और कुछ नहीं हो सकती। और इसीलिए आपको साई वाणी से जुड़ने से पहले मैं आपको प्रारंभ करना और शुरू करने का जो गुरु मंत्र दे रहा हूं, प्रारंभ करो और जारी रखो का उसका दूसरा और बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है। एक अपने जीवन का एक पूरी तरह से डायग्राम, मैं उसको कहूंगा एक आलेख बनाओ। उस आलेख के ऊपर चलो, तय करो मुझे कौन से साल में क्या क्या करना है, क्योंकि बिना प्लान के कुछ भी नहीं होता। मेहनत, सच्चाई, लगन और उसके साथ लिखने हुई जो पॉइंट्स रहेंगे ना, उससे जिंदगी खुश बनेगी। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, हम मत करो, मैं मत करो। अगर हम भगवान के एक छोटे से बालक हैं, तो जो भी हमसे करवा रहे भगवान कर रहे, और भगवान फिर फल और अपेक्षा उनके ऊपर छोड़ दो। फल की अपेक्षा करोगे ना तो दुखी हो जाओगे। हमारा क्या है ना, हम देते कम है, अपेक्षा ज्यादा रखते। आप इतनी मेहनत करो और भगवान के ऊपर छोड़ दो फल, देखो आपको कभी दुख नहीं होगा। मैं खासकर अभ्यास करने वाले सभी मेरे भाई और बहनों को कहना चाहता हूं, आप क्या करते हो पता है, आप सिर्फ सपने में ही गुंग हो जाते हो। मैं नहीं बोलता कि सपने मत देखो, सपने जरूर देखना, लेकिन सच्चाई के साथ सपने देखना। आपको आपके जीवन में इतना भर के देना है कि फल की अपेक्षा करने के लिए आपका झोला कम पड़े। और इसीलिए साईं बाबा अपने भक्तों को जब आशीर्वाद देते हैं ना, तो यही आशीर्वाद देते हैं कि मेरे भक्त, तूने अगर ईमानदारी से मेहनत की है, सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ के मेहनत की है, तो मैं भी तुझे बहुत फल देने वाला हूं। अगर कभी कभार मैं फल नहीं देता हूं तो समझ लेना तू कहीं कम है। इसके लिए दुख मत जताना, ये मेरी इच्छा है, ये मेरी मर्जी है। मिला
हे भगवान, मुझे मिला तो मेरा भाग्य, नहीं मिला तो तेरे पास हूं मैं। क्योंकि यही तो विचार है, हमें बिल्कुल नहीं स्वार्थी रहना है, हमें आलसी नहीं बनना है, हमें बहुत मेहनती बनना है, डबल काम करना है। मेरा मेडिटेट किया हुआ साई क्रिया और साई ध्यान करने वाला इंसान डबल ताकतवान बन जाता है। बिना साई क्रिया और साई ध्यान और साई सुनने वाला अगर 10 घंटा काम करता है तो साई वाणी सुन के, साई क्रिया करके और साई ध्यान करके वो 15 घंटा काम करेगा, इसकी मैं गारंटी देता हूं। क्योंकि यही शक्ति अंदर से आती है, और जिस दिन आपका दिया जलेगा ना, आपको दूसरों के दिए की जरूरत नहीं पड़ेगी। साई बाबा यही कहते हैं, और मैं इसीलिए फिर से कहूंगा, प्रारंभ करो, जारी रखो। प्रणाम। ओम साई राम। प्रारंभ करो, जारी रखो। इसी विचारधारा से साई वाणी का प्रारंभ हुआ। शिरडी के साई बाबा का आशीर्वाद पाके खुद अपने जीवन में एडवोकेट डॉक्टर सुनील नाना साहेब करपे जी ने साई वाणी के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हुए 21वीं सदी को सही में साई बाबा के आशीर्वाद से लोगों के जीवन में बदलाव एवं खुशियां लाने के लिए साई वाणी का प्रारंभ किया। लगातार लोग साई वाणी को सुनते आ रहे हैं। साई कृपा जो साई ध्यान से जुड़ी हुई है, क्योंकि मेडिटेशन ही एक ऐसी शक्ति है जो जीवन में क्रांति ला सकती है, बदलाव ला सकती है और खुशियां दे सकती है। लेकिन उसके लिए प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण है, और अपने संकल्प के प्रति अड़िग रहकर उन्होंने प्राणायाम की श्रृंखला को अपने शक्ति से जोड़ा और उसको साई क्रिया के माध्यम से साई ध्यान के प्रति वो लगातार लेके चले गए। इन सब क्षेत्रों के लिए एक ऐसा परिक्षेत्र होना चाहिए जहां लोग आए और रुके। शिरडी में साई बाबा के समाधि के आशीर्वाद के बाद उनको ज्ञान और ध्यान दोनों की शक्ति देने का प्रयास किया जा रहा है। इसीलिए साईं बाबा की 65 फुट हिंदुस्तान की सबसे बड़ी प्रतिमा बनाकर वहां बाबा का मेडिटेशन सेंटर खोला गया है, साईं आंगन। इस नाम से यह जाना जाता है। देउर गांव गाड़ा, तालुका दौंड, जिला पुणे। यहां साईं आंगन की और बारामती क्षेत्र में साई आंगन में इसी क्षेत्र की निर्मित करते हुए उन्होंने यहाँ निजी व्यवस्था के साथ बच्चों के लिए गुरुकुल सिस्टम का इंग्लिश माध्यम का स्कूल, जहाँ बच्चे पढ़े और जहाँ बच्चे गुरुकुल में रहकर गुरुकुल के माध्यम से गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मय श्री गुरुवे नमः, इसका ज्ञान ले पाए। इसी के लिए इसे पूरी तरह से CBSE एवं गुरुकुल के माध्यम से बच्चों को एक सुजान एवं भारत का एक ज्ञानी और अच्छा नागरिक बनाने के लिए वे ये कर रहे हैं। उसी के साथ हेल्थ इज वेल्थ कहते हैं कि शरीर ही सबसे महत्वपूर्ण संपदा है, और उस संपदा को आयुर्वेदा के माध्यम से लोगों को जोड़ना चाहिए। इसीलिए उन्होंने यहाँ साई वाणी आयुर्वेदा हॉस्पिटल की भी निर्मित की है, और उस कार्य के लिए वो पूरी तरह जुड़ चुके हैं। पूरे विश्व से लोग साई क्रिया और साई ध्यान के माध्यम से जुड़ रहे हैं, और इसीलिए उन्होंने saiwanitrust.org इस ई-कॉमर्स की भी स्थापना की है। इस ई-कॉमर्स के माध्यम से हजारों करोड़ों भाई बहन को उन्होंने व्यापार करने के लिए प्लेटफॉर्म दिया। उनकी कला, उनकी क्षमता, उनका ज्ञान लोगों तक पहुँचाने के लिए saiwanitrust.org बहुत बड़े लेवल पर महत्वपूर्ण प्रयास कर रहा है। इसीलिए यहाँ आए, ये बाबा की नगरी है। यहाँ बाबा का विज्ञान, बाबा का आशीर्वाद एडवोकेट डॉक्टर सुनील नाना साहेब करपे जी के साथ लोगों तक पहुँच रहा है। हमसे जुड़े रहने के लिए आज ही साई वाणी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, या अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9604050607। ओम साई राम। प्रारंभ करो, जारी रखो।